नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से साथियों जय हिंद जय भारत। आज दिनांक 2 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं देने के लिए और एक खास बात आप सब लोगों से कहने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्वरी रिट पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें 6 अगस्त की डेट लगी हुई है सुनवाई के लिए। और पिछली 2 मार्च को जब इस पर फर्स्ट हियरिंग हुई थी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और ठग कंपनी जीआईपीएल को जवाब दाखिल करने के लिए शपथ पत्र के साथ 4 सप्ताह का समय दिया था, जो अभी तक सरकार ने या ठग कंपनियों ने या मिनिस्ट्रीज ने जवाब दाखिल नहीं किया है। और अब 6 अगस्त में केवल आज से 3 ही दिन बाकी हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण अदालतों में भौतिक सुनवाई नहीं चल रही है और ये सुनवाई जो 6 अगस्त की है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। हम लोग या वकील साहिबान हमारे कोई भी उस सुनवाई में सशरीर उपस्थित नहीं हो सकेगा कोर्ट में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये सुनवाई होगी। आप लोग भी जुड़ सकते हैं उस सुनवाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण आपका जुड़ना या मेरा जुड़ना नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने एक छोटा सा लेटर ड्राफ्ट किया है और उस लेटर को आप सबने बाई ईमेल दिल्ली हाई कोर्ट को भेजना है, जो भी बाइक बोर्ड स्कैम के पीड़ित हैं उन सबको। तो इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपका नाम वहां तक आपके मेल आईडी से पहुंच जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट तक, आपकी फाइल पर लग जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में जो आपका रिट पिटीशन है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का 23/72/2020। दूसरा, उससे कोर्ट को इस मामले की गंभीरता का पता चलेगा कि ये बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम कितना गंभीर और संवेदनशील मामला है। क्योंकि दोस्तों, इसमें हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को ठगा गया है, लाखों किसान, मजदूर, व्यवसायी और शिल्पकारों को ठगा गया है और इन ठगों ने 62,100 यूनिट रक्त जीवित मनुष्यों के शरीर से निकालकर बाजार में बेच दिया है। ये बात हमें मुख्य रूप से अपने मेल के माध्यमों से ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में लानी है कि ये मामला इतना हल्का फुल्का नहीं है जिसको जिस तरह से मतलब हल्के फुल्के तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। ये हमारे देश के सैनिकों के स्वाभिमान, सम्मान, जीवन और उनके धन से जुड़ा हुआ मामला है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात हमको अपने मेल के द्वारा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को समझानी है, बतानी है, ताकि वो गंभीरता पूर्वक आपकी रिट पिटीशन पर सुनवाई करें और जल्दी से जल्दी आप लोगों के पक्ष में निर्णय सुनाएं। क्योंकि सबूतों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, जितने भी सबूत हैं ठगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हमने सब हाईकोर्ट के पटल पर अपनी याचिका के साथ लगाए हैं। बहुत लंबी चौड़ी याचिका है, सैकड़ों पेजों की। मैं इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में वो मेल का जो ड्राफ्ट है वो पेस्ट करूंगा, आप वहां से कॉपी करके उसको अपने मेल आईडी के द्वारा उसे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को सब लोग आज से ही भेजना शुरू कर देंगे। देर रात तक भेजिए, कल परसों तक, ताकि 6 तारीख को जब सुनवाई हो तो लाखों की तादाद में मेल दिल्ली हाई कोर्ट की साइट्स पर, फाइल पर उपलब्ध हो और उनको ये एहसास हो, ये महसूस हो कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम कोई ऑर्डिनरी स्कैम नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ठगी प्रकरण है। इसमें हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा उन सैनिकों को ठगा गया है जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, लाखों उन किसानों को ठगा गया है जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, लाखों हमारे उन बुजुर्ग पेंशनर्स को ठगा गया है जिन पर हमारा आदर है, जिनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और ये बताना है कि किस तरह से हजारों लोगों ने इस स्कैम में फंस करके आत्महत्या कर ली और हजारों लोग आत्महत्या के कगार पर बैठे हैं। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जल्दी से इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया, इंतजार किया सरकार की बदमाशियों का और ठगों की मक्कारियों का,
तो बहुत सारे लोग जो विक्टिम है बाइक बोट टैक्सी स्कैम के, वो आत्महत्या कर सकते हैं। यही आपको बताना है दोस्तों अपने मेल के द्वारा। और दूसरी बात, मैं उन तमाम पीड़ित भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो अन्य कंपनियों के पीड़ित भाई बहन हैं हमारे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, कि दोस्तों ये जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम की रिट है दिल्ली हाईकोर्ट में, और जो दूसरी रिट हमने बाइक बोट स्कैम को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है सीबीआई जांच के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करवाने के लिए, इन दोनों रिट पिटीशन पर फैसला निश्चित रूप से पीड़ितों के पक्ष में आएगा। और जब ये फैसला आएगा तो एक रूलिंग बनेगी। ये फैसला तमाम कंपनीज के जितने भी पीड़ित हैं, चाहे कोई भी कंपनी है अभी वो चल रही हो या जो भाग चुकी है वो हो, उन तमाम विक्टिम्स के लिए ये फैसला मील का पत्थर साबित होंगे, रूलिंग बनेंगे, और तमाम लोगों को इन्हीं फैसलों के माध्यम से न्याय मिलेगा, उनका डूबा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये बार बार कहता रहता हूं कि चाहे आप किसी भी कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं, आपको हमारे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ना है, हमारा जो अभियान है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का, उसके साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि अन्य कोई माध्यम इस दौर में किसी के भी पास ऐसा नहीं है जो जल्दी से इन ठगों पर नियंत्रण पा सके, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित बना सके और आपकी मेहनत की कमाई को इन ठगों के चंगुल से निकाल सके। केवल एक यही रास्ता है, संगठन का रास्ता, कोर्ट का रास्ता। कोविड 19 के कारण हम लोग सड़क पर भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे, आंदोलन वगैरह, संसद भी बंद है और बहुत सारी चीजें बंद हैं, इसलिए केवल आपके पास सोशल मीडिया, मेल और कोर्ट कार्रवाई का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला रास्ता बचता है। आप सब लोग इन चीजों से जुड़ें। मेरा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज के नाम से, उसको फॉलो करें, इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में वो होगा लिंक उसका। फेसबुक पेज पर जाएं और हमारी ये जो लड़ाई है इसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय देश में ठगी पीड़ित हैं, और ऐसे ऐसे ठगी पीड़ित हैं कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में पिछले वर्ष एक ठग कंपनी को प्रमोट किया, उसका नाम था राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसने लोगों को झांसा दिया प्रधानमंत्री का फोटो छापकर अपनी स्कीम्स के बैनर्स पर, पंपलेट्स पर, और उसे निगम बताया, सरकारी निगम बताया, और उसने 40 लाख से ज्यादा लोगों के साथ चीटिंग कर दी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और ये लाखों करोड़ की चीटिंग है जो आज मेरे संज्ञान में आया है, कल तक मैं भी उसे हजारों करोड़ की, हजारों लोगों के साथ मानता था, लेकिन वो 40 लाख लोगों से ज्यादा के साथ चीटिंग हुई है और लाखों करोड़ रुपए चीट किया गया है। बहुत सारे लोग उसमें भी आत्महत्या कर चुके हैं, और उस कंपनी का नाम हमारे प्रधानमंत्री ने, देश के ने स्वयं बजट भाषण में अपने में लिया था कि बहुत अच्छी कंपनी है, इस तरह की कंपनियों में निवेश कीजिए, ये रोजगार दे रही हैं, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो, स्टार्टअप, वोकल का लोकल, पता नहीं कितनी कितनी बकवास बातें उन्होंने अपने भाषणों में कही, और इन भाषणों के कारण और ठग स्कीम्स के प्रलोभन में फंस जाने के कारण लाखों लोग आज अपने जीवन का सुख, सुकून, चैन और मेहनत की कमाई डुबो चुके हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं। और इन आत्महत्याओं पर न सरकार का ध्यान है, न देश के विपक्षी नेताओं का ध्यान है, न मीडिया का ध्यान है, क्योंकि यदि इन स्कैम्स को उघाड़ा गया, उछाला गया, तो इस देश की सरकार नंगी हो जाएगी, तमाम नेता नंगे हो जाएंगे, तमाम ऑफिसर्स नंगे हो जाएंगे, जो बेईमान छल और बल से हमारे देश की न्याय की कुर्सियों पर बैठ गए हैं वो तमाम गिर पड़ेंगे, क्रांति आ जाएगी। इसलिए उस तमाम लोग इन ठगी प्रकरणों को दबाना चाहते हैं, इन पर कोई एक्शन जल्दी से नहीं लेना चाहते। इन पर अगर आपको एक्शन करवाना है, आपको अपना डूबा हुआ धन, खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त करना है, अपने देश के अस्तित्व को बचाना है, तो उसका एक ही माध्यम है कि आप सब लोग जागरूक हों, एकजुट हों, यूनियन बनाएं, संघ बनाएं और इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ लड़कर अपने पावन पवित्र भारत देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दें। दोस्तों, एक और ठग कंपनी थी डी कैब के नाम से, जिसके मालिक ने अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए हमारे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत तक के फोटो का इस्तेमाल किया, जो जनरल बिपिन रावत आज सीडीएस हैं। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उसके पक्ष में वीडियो बना बना करके प्रमोशन की, उसकी भी आज वेबसाइट बंद हो चुकी है और वो भाग चुकी है कंपनी। इस तरह के रोज हो रहे हैं कांड,
कि रोज कंपनियां बन रही हैं, वो मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को प्रमोशन में बुलाती हैं, हीरो हीरोइंस को, खिलाड़ियों को और लोगों की मेहनत की कमाई को लूट करके भाग जाती हैं। इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, इस ठगी के खिलाफ आप सबको लड़ना है। दोस्तों, आज का वीडियो संदेश में ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इतना ही है। मेरी बार बार आपसे अपील है कि जैसा मैं कहता हूं आप वैसा करते चलें और अपने इस पावन पवित्र देश को बचाएं और इसे ठग मुक्त, बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।